महाराष्ट्र के लातूर में आयोजित हुए 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के भव्य आयोजन में लातूर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन इसरार जब्बार सगरे, स्टॉक अकेडमी के डायरेक्टर श्री गणेश संदीपान शिंदे, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक कुमारी सृष्टि सुधीर जगताप, बिड़वे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य धरने बसवराज, श्री व्यंकटेश विद्यालय और महाविद्यालय के संचालक प्रशांत पटने, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बी के नंदा, सह प्रभारी बी के पुण्या समेत मुरूर सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रीति, मोतीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के वर्षा, उजनी सेवा केंद्र प्रभारी बी के महानंदा, शिवाजीनगर बी के पाठशाला की संचालिका बी के प्रयाग की उपस्थिति में दीप जलाकर एवं ध्वजारोहण करके हुआ। इस त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। महोत्सव की शुरुआत शिव जी के गीत और नृत्य के साथ हुई। वही फेमस कुमारी सृष्टि सुधीर ने गीत गाकर संस्था के साथ के अपने अनुभव साझा किए। बहुत बड़ा पाठ है हमारा राजयोग मेडिटेशन जो मैंने किया। मैंने 7th स्टैंडर्ड में अपना कोर्स करवा के लिया हमारे लातूर में जो ईश्वरिया महाविद्यालय है ब्रह्म कुमारी का, वहाँ पे जाके। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए मुझे, खुद में परिवर्तन हुआ। राज योग पाने के लिए ये मेडिटेशन करना आवश्यक है और आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपका पूर्ण जो संभ्रम होगा, आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी होगी, वो पूरी नेगेटिविटी बाहर जाएगी और आप पूरी पॉजिटिविटी से आपके अभ्यास पर जो है वो लक्ष्य केंद्रित कर पाएंगे। बाद में सभी अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर शिव परमात्मा की रुद्राक्ष से बनी शिवलिंग पर नारियल अर्पण किए। युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई। मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है, चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है, तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान अतीत पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं। इसी तरह शिव जयंती का कार्यक्रम ओडिशा भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में भी हुआ। साथ ही डीआरसी में ओडिशा में चल रही सेवाओं का रजत जयंती समारोह भी सेलिब्रेट किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माउंट आबू से विशेष राजयोगिनी शीलू दीदी डीआरसी पहुंची। यह पूरा कार्यक्रम कटक सबजोन प्रभारी कमलेश दीदी की ओर से किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बी के लीना दीदी ने की। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के शीलू दीदी ने ओडिशा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम में कटक सब जोन प्रभारी कमलेश दीदी ने सभी को ओडिशा में हुई सेवाओं की 25 साल की यात्रा की कहानी बताई। आयोजन में बी के दीपाली बहन ने सभी को धारणा क्लास कराई तो इस अवसर पर बाबा के कमरे का उद्घाटन भी सभी वरिष्ठों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। ये नजारा है दिल्ली के सीबीआई कार्यालय का, जहां ब्रह्मा कुमारी लोधी रोड की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सीबीआई ऑफिसर्स को तनाव से मुक्त होने के अनोखे टिप्स दिए गए। डीएसपी सुधीर कुमार के निर्देशन में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था तनाव से मुक्ति की युक्ति, जिसमें भारत सरकार में देश के कई शहरों से आए एसएसपी, सीएसपी और डीएसपी समेत कई इंस्पेक्टर्स ने भाग लिया, जिन्हें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पीयूष ने संबोधित करते हुए कहा कि सुबह उठकर परमात्म चिंतन करना, रात को जल्दी सोना, किसी से भी अपनी तुलना न करना और सभी से सीखने की भावना रखना।
अपनों को स्नेह देने जैसे कुछ खास आदतों को अपनाकर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अगर आपको पराजित करके मैंने विजय प्राप्त कर ली तो ये मेरी संपूर्ण विजय नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों को परीक्षा के तनाव को मिटाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए। बीके कल्पना ने कई शिक्षाप्रद एक्टिविटी कराकर और कहानी के माध्यम से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के गुण को जागृत करने की कोशिश की। वहीं बीके रीना ने कहा कि शिक्षा वह है जो हमारी चेतना को जागृत करे। कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत उत्साह एवं खुशी से ब्रह्मा कुमारी बहनों की बातों को गौर से सुना और जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा ली। इसी तरह सीएम राइज स्कूल में भी एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित प्राचार्य राजकुमार शर्मा और टीचर्स स्टाफ उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं इनाया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र ने भी अपनी विशेष भागीदारी निभाई। बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी ने तीनों ही दिन उपस्थित स्कूली बच्चों एवं योग साधकों को सकारात्मक चिंतन और योग आसन और ध्यान की विधियों से होने वाले लाभ के बारे में बताया। इन 3 दिनों में योग सत्र के साथ साथ महिला सुरक्षा, यातायात जागृति एवं मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर हास्य क्लब, सेंट जेवियर स्कूल, विनर्स वैली स्कूल एवं अन्य योग संस्थाओं के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इंदौर के वेंकटेश नगर एक्सटेंशन सेवा केंद्र द्वारा निर्माण किए जाने वाले नए सेवा केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में इंदौर शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता, महापौर पुष्प मित्र भार्गव, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन, प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, कालन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी, विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर शुक्ला आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में बीके जयंती दीदी ने कहा कि जो भवन बनेगा वो निश्चित तौर पर आने वाले सभी लोगों को शांति, सुख और श्रेष्ठ जीवन देगा। वहीं बीके हेमलता दीदी ने कहा कि प्रभु उपहार भवन परमात्मा की ओर से शिवरात्रि का तोहफा है। वहीं महापौर ने कहा कि संस्था समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। हमारी सभी दीदियां सदैव उपस्थित रहती हैं। ऐसी संस्था के सुखदेव नगर के इस भूखंड पर भूमि पूजन निश्चित तौर पर मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा के योग को प्रगाढ़ करने में एक ऐसा स्थान साबित होगा जो पूरे इस क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा। अब कुछ खबरें एक नजर में। समाज के हर वर्ग के लिए सेवाएं कर रहे मीडिया कर्मियों के लिए वाराणसी की डिवाइन संस्कार शाला में सम्मान समारोह कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को राजयोग की दी गई जानकारी। सभी मेहमानों का ईश्वरीय सौगात देकर किया गया सम्मान। आयोजन में बीके लता, बीके यश, बीके अरुण, बीके हर्ष रहे उपस्थित। ब्रह्मा कुमारी अमृतसर सेवा केंद्र की ओर से जिला तरनतारन सड़क पर नशाखोरी के खिलाफ निकाली गई विशेष नशा मुक्ति रैली। यात्रा को बीबी कोला भलाई केंद्र ट्रस्ट के मैनेजर सरदार विंदरपाल सिंह जी ने झंडा दिखाकर किया रवाना। अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी के नेतृत्व में हुआ शुभारंभ। राजयोग से स्वस्थ और नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत निकाली गई रैली। हजारों लोगों को दिया व्यसन मुक्ति का संदेश। 36वें इंटरनेशनल सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेले में ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 21D की ओर से लगाया गया पंडाल। ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयों के फ्री वितरण के साथ ही लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। पुलिस कमिश्नर विकास अरोरा एवं DCP नितिन अग्रवाल ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। कमिश्नर ने कहा, स्टॉल में आकर हुई प्रसन्नता, तो DCP ने कहा, मेडिटेशन सीखने के लिए करूंगा राजयोग कोर्स।